बालिग हो गए, शिकायत करना शुरू कर दिया। कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में अपने माओं से बहनों से ये वादा किया है कि उस चूल्हा को जलाने के लिए हम साल में आपको 12 गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करना शुरू करेंगे। शुरू कर दिए। उनके पास एक ही मुद्दा है, उनके पास एक ही मुद्दा है, जैसे उन्होंने रियासत की तकसीम कर दिया उन लोगों को तकसीम करना चाहते हैं। नफरत की आग, उनके स्टेटमेंट, उनके कैंडिडेट की तकरीरें क्यों बताता है ये आरक्षण नहीं है, ये कोई आतंकवाद का मसला नहीं है, ये सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। ये चंद लोग कोई हमारी हिंदू बरादरी ऐसा नहीं चाहते, हम जानते हैं हमारी परेशानियां सानी है, हमारी मुश्किल सानी है, हमारी जरूरतें सानी है, हमारी खुशियां सानी है, वो ऐसा कोई नहीं चाहता। मां जो एक मफरूर सबका है जो आप में इस रियासत को भी जुम्मन को भी जोड़ना चाहता है। इन्होंने तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश की है, आज भी ये बांटते ही रहेंगे, लेकिन आपको मालूम है आप बुजुर्ग हैं, जवान है, पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, जिसके पास जो कुछ होता है वही देता है, उनके पास नफरत है तो नफरत ही फैलाएंगे, हमारे पास मोहब्बत है, हमारे पास प्यार है, हमारे पास सुन है, तो वही फैलाएंगे। हम उसी की बात करेंगे। जिंदाने गिरामी मुश्किल दौर में हम हैं, इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त आने पड़ा इस रियासत को, इस वक्त कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, अपनी मदद के लिए खुद उठना, और आपका जलसा
आपके यहाँ मौजूद भी इस बात का सबूत है कि आप तैयार हैं लड़ाई के लिए, आप उठे उनके लिए, आप उठे उस फैसले की मुखालफत करने के लिए जो 2019 पांच अगस्त 2019 हुआ, जैसे कानपुर बाजार बंद है वो सब चीजें वापस आएगी, अपने सेहत स्टेट बहाल करेंगे, अगर हमको 1000 मील भी चलना होगा तो पहले कदम से चलना होता है और वो पहला कदम 18 सितंबर को हो रहा है। उसमें आप सबने माओ बेटी वोट देने का हक रखता है, अपने कमरों में सब मुश्किल की बातें करते हैं, परेशानियों की बातें करते हैं, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, क्या बातों से मामला सुलझ जाते हैं? हमको अमल से दिखाना है, हमको कोई इंस्टेंशन पर पहुंचना है, जो उधर जो पहुंचना है, चाहे वो बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो उस दिन, लेकिन सब वोटों को आपने वहां तक पहुंचाना है और ये बहुत जरूरी है। इस वक्त 10 बरस स्टेशन से आई, अगर इस वक्त हम गाड़ी मिस कर गए, हम इस पर चढ़ नहीं पाए तो वक्त क्या बदला ले सकता है, कितनी देर में दोबारा क्या मालूम, थोड़ा सा मालूम फिर दोबारा स्टेशन पर कब गाड़ी आके रुकेगी, उस वक्त कितने तूफान दुला छुपे होंगे, उस वक्त आप और हम भ्रू न हो, लेकिन हमारा मुस्तकबिल, हमारा जो नौजवान है ये हमारा मुस्तकबिल, इसका मुस्तकबिल मौजूद हो चुका होगा, लिहाजा पूरे शोर के साथ पूरे अलम के साथ और जिंदा कौमों की तरह, क्योंकि गैरत जिस दिल में होगी, जिसके पास गैरत होगी उसी दिल में ईमान होगा, जो बेगैरत होगा उस वहां ईमान का क्या काम, सिर्फ वही ये साबित करता है हम कितने गैरतमंद हैं, क्योंकि हमारी इज्जत नफ्स पे चोट पहुंची है, हमारी खुददारी पे चोट पहुंची है, 2019 को आज वक्त आन पड़ा है उसको जवाब देने का, और शरीफ खाना जवाब है अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब देना है, ताकि कल असेंबली में उमर साहब लोग शोर से हमारी मदद कर सके, इस रियासत की मदद कर सके, मियां साहब पार्लियामेंट में मदद कर सके, हर जगह इस वक्त भी मियां साहब पार्लियामेंट में आज की बात करते हैं, जब भी उनकी हुकूमत होगी, उन्होंने जब भी इलेक्शन में कोई वादे किए हैं गारंटी के साथ वादे किए हैं, पहले जमाने फारूक साहब के वक्त में भी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकी है, उन्होंने बच्चों को मुलाजमतें दी है, हम सिर्फ सब्जेक्ट को भी बाहर करेंगे ताकि बाहर के लोग यहाँ आए, यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों का हक है, इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जो बाहर के लोग काम करते आपको काम नहीं करते, प्रोजेक्ट हमारे इलाकों में है, ये हमारा हक बनता है पहले जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जम्मू कश्मीर का बच्चा वहाँ काम करे। मैं ज्यादा देर आपके दरमियान नहीं, सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, 18 सितंबर को आप जब स्टेशन पर जाएंगे पहले नंबर का निशान है आपका, अपना हल है, शहीद कश्मीर की हल है, महान हनुमान की हल है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपके शनाख्त की दामन है, आपके मामला की दामन है, आपके इज्जत नफ्स की दामन है, ये सब चीजें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस तूफान को रोक सकती है, जो तूफान मुसलसल देने से आ रहा है, कभी जमीनों के कानून के सिलसिले में, कभी हमारे स्टेट सब्जेक्ट के सिलसिले में, कभी हमारे एजुकेशन के सिलसिले में, कभी हेल्थ के सिलसिले में, मुल्कों को तबाह करने से तुले हुए हैं, हम ये नहीं कहते हम 24 घंटे में कर देंगे, लेकिन रोक लेंगे इंशाल्लाह, आपकी ताकत सामने हार होंगे इंशाल्लाह, रोक लेंगे, हमको सांस लेने की फुर्सत मिलेगी, ताकि ये सारे कानून बदले जाएंगे जो हमारे आवाम के खिलाफ और सबके खिलाफ, मैं आपसे
ये कहकर रुखसत होता हूं। जो हमारे मैनिफेस्टो में आपके सामने है वहां सारी गारंटियां बताई गई है, कुछ उमर साहब बताएंगे, कुछ मियां साहब बताएंगे। वो ये कि हजम राशिफ शौक कामिल सही पाई हम की कसम, ये ख्याल खाम है तेरा कि मंजिल दूर है। बात सुना यहाँ पर आएंगे, फिर हमको वहाँ से आना होगा। सब सारे खालिद सुहरवर्दी साहब, जलाउद्दीन साहब, यहाँ पर आए हुए बीडीसी के इमरान सबका, बीडीसी के चेयरमैन बुजुर्गों भाइयों सबको मेरी तरफ से अच्छा। आपको पता है कि इलेक्शन है और इस इलेक्शन की अपनी अहमियत है। ये इलेक्शन आज 10 साल के बाद हो रहा है और जम्मू कश्मीर 7 साल हो गए हैं किसी हुकूमत के बगैर, कोई हुकूमत यहां पे नहीं। इस इलेक्शन की बड़ी अहमियत है। इस इलेक्शन में आप वोट के जरिए बीजेपी की हुकूमत को दिल्ली में ये पैगाम दे सकते हैं कि जो जुल्म आपने 5 अगस्त 2019 को किया और जो एक पूरी स्टेट बनी हुई थी, एक रियासत थी, उसको दो और जो कुछ भी इसके मुताबिक बीजेपी पार्लियामेंट में या दुनिया भर के मुल्कों में या हिंदुस्तान में प्रोपेगंडा करती रही कि ये फैसला लोगों ने कबूल कर लिया है, हमने ये फैसला कबूल नहीं किया है। तो उसका जवाब जो है आपको वोट से देना पड़ेगा। अगर आप वोट से नहीं देंगे तो फिर इस बात का कोई फायदा नहीं। ये आपकी इज्जत का मामला है, ये आपकी शनाख्त का मामला है, ये आपकी नौकरी का मामला है, ये आपकी जमीन का मामला है। आप इतना चर्चा हो रहा है, इतना प्रोपेगंडा हो रहा है डोडा की तरक्की के मुतल्लिक, लेकिन जब यहाँ पे हम आके देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा। यहाँ आपका नरेगा आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पंचायत के काम नहीं हो रहे, यहाँ पीएचई के काम नहीं हो रहे, यहाँ पीडब्ल्यूडी के काम नहीं हो रहे। इस जगह में अगर कोई आदमी पहले निकलता था उसको अगर नौकरी नहीं मिलती थी, उसको पैसा नहीं मिलता था, लेकिन कम से कम उसको मजदूरी मिलती थी, वो जाता था या 500 या 1000 रुपये कमाता था। आज वो पैसा भी आपको नहीं मिलता है, आज आपको वो मजदूरी भी नहीं मिलती है। आपके यहाँ जंगलात के बहुत बड़े ठेके निकलते थे, यहाँ हर आदमी जंगलात के ठेकों पे पैसे कमाता था, ठेकेदार भी कमाता था। इलेक्शन है और इस इलेक्शन की आपकी अहमियत है। ये इलेक्शन आज 10 साल के बाद हो रहा है तो जम्मू कश्मीर 7 साल हो गए हैं किसी हुकूमत के बगैर, तो हुकूमत यहाँ पे नहीं। इस इलेक्शन की बड़ी अहमियत है। इस इलेक्शन में आप वोट के जरिए बीजेपी की हुकूमत को दिल्ली में ये पैगाम दे सकते हैं कि जो जुल्म आपने 5 अगस्त 2019 को किया और जो एक पूरी स्टेट बनी हुई थी, एक रियासत थी, उसको दो यूपी में तब्दील किया है। आज तक कभी भी तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में जो जूनियर टेरिटरी है उनको रियासत का दर्जा दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे साथ इतना जुल्म किया, इतनी ज्यादती की, लद्दाख को अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया। हमने पुरामन तरीके से अभिद होकर इत्तेफाक से दुनिया को ये प्रभाव देना है, पूरे हिंदुस्तान में जो सेक्युलर लोग हैं उनको ये प्रभाव देना है कि ये फैसला गलत था और जो कुछ भी इसके मुताबिक बीजेपी पार्लियामेंट में या दुनिया भर के मुल्कों में या हिंदुस्तान में प्रोपेगंडा करती रही कि ये फैसला लोगों ने कबूल कर लिया है, हमने ये फैसला कबूल नहीं किया है। और उसका जवाब जो है आपको वोट से देना पड़ेगा। अगर आप वोट से
नहीं करेंगे तो फिर इस बात का कोई फायदा नहीं। ये आपकी इज्जत का मामला है, ये आपकी शराब का मामला है, ये आपकी नौकरी का मामला है, ये आपकी जमीन का मामला है। आप कितना चर्चा हो रहा है, कितना प्रोपेगंडा हो रहा है घोड़ा की गति के अंतर्गत, लेकिन जब यहाँ पे हम आके देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, यहाँ आपका नरेगा आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पंचायत के काम नहीं हो रहे, यहाँ पीएचसी के काम नहीं हो रहे, यहाँ पीडब्ल्यूडी के काम नहीं हो रहे। इस जगह में अगर कोई आदमी पहले निकलता था उसको अगर नौकरी नहीं मिलती थी, उसको पैसा नहीं मिलता था, लेकिन कम से कम उसको मजदूरी मिलती थी, वो जाता था या 500 हजार में जाता था। आज वो पैसा भी आपको नहीं मिलता, आज आपको वो मजदूरी भी नहीं मिलती। गुजरात के बहुत बड़े ठेके देंगे, यहाँ हर आपको गुजरात के ठेकों पे पैसे कमाता था, ठेकेदार भी कमाता था, रेट भी कमाता था, मजदूर भी कमाता था। आप इस बात को जोड़ा है गुजरात में आपको ठेका मिलता है, किसी को काम मिलता है। हमारे वक्त में जो डायरेक्ट राजभवन के जरिए उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे, चाहे सत्यपाल मलिक की सूरत में, चाहे मुर्मू की सूरत में, चाहे आज जो हमारे एलजी साहब हैं उनकी सूरत में, लेकिन है वो बीजेपी के ही नुमाइंदे, काम उनका बीजेपी के इशारों पे होता है, दिल्ली से हिदायत आती है, यहाँ पे काम करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें 10 साल हो गए बीजेपी के काम को देखते हुए, उनके तौर तरीके को देखते हुए, और सच्चाई ये है कि यहाँ के लोगों को इस डबल इंजन का एक डबल पैसा भी फायदा नहीं हुआ है। अब बड़ी बड़ी सियासी बातें खालिद साहब ने अपनी तकरीर में की, 370 के हवाले से, 35A के हवाले से, जो हमारा और दिल्ली के दरमियान आईनी रिश्ता है उसके हवाले से मियां साहब ने इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली। हकीकत यह है कि वो लड़ाई हमने लड़ ली है, उस लड़ाई से हम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उस लड़ाई की कामयाबी के लिए हम आपके रोजमर्रा के मसलों को भूल नहीं सकते। सच्चाई ये है कि वो लड़ाई जिसका जिक्र खालिद सुहरावर्दी साहब ने किया, जिसका जिक्र मियां साहब ने किया है, वो लंबी लड़ाई है, उसको लड़ने में हमें महीने नहीं पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन उस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारा फर्ज ये भी है कि आपके रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, आपके जो मुश्किलात हैं, चाहे वो रोजगार को लेके हो, तरक्की को लेके हो, महंगाई को लेके हो, तालीम को लेके हो, पानी को लेके हो, बिजली को लेके हो, राशन को लेके हो, इन सब चीजों का भी हमें हल लेके आपको लेना पड़ेगा। और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मंशूर तैयार किया है उससे हमने सिर्फ एक मुद्दे पर बात नहीं की, हम लोगों से सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम 370 की लड़ाई लड़ रहे हैं हमें वोट दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने 35A यहां दोबारा लागू करना है हमें वोट दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें रियासत का दर्जा वापस हासिल करना है इसलिए वोट दो, हम कहते हैं कि पिछले लगातार 10 साल जो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है, जो कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई है, जो वादी चिनाब के साथ नाइंसाफी हुई है, इंशाल्लाह हमने उस नाइंसाफी को दूर करना है। मैं जहां पे भी गया मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो मौजूदा हालात से मुतमईन है, हर कोई किसी न किसी मामले में परेशान है। अब नौजवानों से हम बात करते हैं तो कहते हैं हमारा रोजगार हमें कहीं नजर नहीं आता, हमें नौकरी मिलती नहीं, जो बड़े बड़े वादे हुए थे 5 अगस्त 2019 को कि यहां नए कारखाने खुलेंगे, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए प्रोजेक्ट आएंगे, यहां नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वो तमाम वादे जो है वो खोखले साबित हुए। उल्टा ये जहां आपको रोजगार की उम्मीद थी वहां पर भी आपको रोजगार नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में यहां के नौजवानों के साथ कुछ वादे किए हैं,
एक तो ये कि सरकारी मुलाजमत में जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी हम कम से कम 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी लगाने का काम शुरू करेंगे। उसके साथ साथ इन दूरदराज इलाकों में आपको याद होगा हम डीजी भर्ती किया करते थे, मौके पे इसी तरह हेलीकॉप्टर में डीजी साहब उतरते थे, वहां कैंप लगता था, अगर कद बराबर छाती बराबर वहीं पर डीजी साहब मौके पर दस्तक करके नौजवानों को पुलिस में दाखिल करता था। पिछले 10 साल से यह सिलसिला रुका हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में यहां नौजवानों से वादा किया है कि हमारी हुकूमत बनेगी तो इंशाल्लाह हम दूरदराज इलाकों में दोबारा डीजी भर्ती का सिलसिला शुरू करेंगे ताकि एक बार फिर कम अज कम उस तरफ भी आप लोगों के लिए मुलाजमत दे और रोजगार के दरवाजे जो है खुले दिए। लेकिन यहां प्रोजेक्टों के हवाले से बात है, खालिद साहब ने भी बात की, मियां अल्ताफ साहब ने भी बात की, और ये हम लोगों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी रही है। पहाड़ हमारे, दरियाएं हमारी, जंगलात हमारे, लेकिन इन पे हक अब हमारा रहा है। ये लोग बड़े बड़े ठेकेदार भी बाहर से लाते हैं, छोटे ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, इनको पढ़े लिखे अगर लोग लाने होते हैं वो भी बाहर से आते हैं, अगर मजदूर भी लाने होते हैं मजदूर भी ये बाहर से लाके इन प्रोजेक्टों में लगाते हैं, हमारा इन प्रोजेक्टों में कोई लगता नहीं है। हमने अपने मंशूर में ये वादा किया है कि इन प्रोजेक्ट में चाहे वो सड़क का हो, चाहे पावर का हो, चाहे और कोई प्रोजेक्ट हो, इसमें सबसे पहले अगर रोजगार का हक होगा हमारे लोकल नौजवानों का होगा। तब तक आप मत करिए ना, मत करो, मत करो ना, तो मुझे याद ही नहीं रहता मुझे बोलना क्या है। इसी तरह हम जंगलों की बात करें, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमारे गुजर भाइयों को इन जंगलों की पैदावार का हक जो है कानूनी तौर आपको मिल जाना चाहिए था। इन बीजेपी और डबल इंजन हुकूमत ने आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो हक मिलना चाहिए था उससे महरूम रखा है। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो इन जंगलों पर आपका हक है इंशाल्लाह वो हक हम आपके हवाले करेंगे। पता नहीं आपको याद है या नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, वजीर आजम साहब का एक स्कीम था जिसके तहत उन्होंने गैस के चूल्हे बांधे। उन्होंने कहा कि आप लोग लकड़ी जला के खाना मत बनाओ, आप लोग गोबर जला के खाना मत बनाओ, मैं आपको ये गैस का चूल्हा देता हूं, आप गैस के चूल्हे पर खाना बनाओ। लेकिन उस वक्त ये बताना भूल गए कि इस गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना जरूरी पड़ता है, और गैस का सिलेंडर जो है हर महीने उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको ये चूल्हा तो मिला लेकिन उस चूल्हे को जलाने के वो काबिल नहीं रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में अपने माओं से बहनों से ये वादा किया है कि उस चूल्हा को जलाने के लिए हम साल में आपको 12 गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करना शुरू करेंगे ताकि महंगाई का जो आपके ऊपर दबाव है उसको हम कम कर सकें। लेकिन चूल्हे का क्या फायदा ना, अगर पकाने के लिए राशन ना हो, और राशन में भी इन बीजेपी वालों ने हमारे साथ सख्त नाइंसाफी की। मुझे अपने हुकूमत का याद है जहां हम राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी पहुंचाते थे, राशन कार्ड के जरिए हम आपको मिट्टी का तेल पहुंचाते थे, और राशन का स्केल इतना होता था कि कम से कम उस स्केल पे आपका गुजारा होता था। आज हाल ये है, राशन कार्ड से ना आपको चीनी मिलती है ना मिट्टी का तेल मिलता है, और राशन का स्केल उन्होंने 5 किलो पे उतार के हमें ऐसे ही छोड़ दिया। अरे ना, 5 किलो पे किसका गुजारा हो सकता है, 5 किलो महीना। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि चूल्हा जलाने के काबिल भी हम आपको रखेंगे, और इंशाल्लाह चूल्हे के ऊपर पकाने के काबिल भी हम आपको रखेंगे। तुम्हारा राशन कार्ड के जरिए
मिट्टी का तेल, चीनी और राशन का सेल भी हम बढ़ा देंगे ताकि आप राशन कार्ड के जरिए अपना गुजारा जो है कर पाएंगे। बिजली के मामले में शिकायतें सुन सुन के हम परेशान हुए। यहां दरियाओं पर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के जरिए बिजली आती है, लेकिन उस बिजली पर हमारा कोई हक नहीं। यहां जो चिनाब पे नया प्रोजेक्ट बन रहा है मुझे सम्मान याद नहीं आ रहा है, रतरे प्रोजेक्ट की बिजली इन बीजेपी वालों ने राजस्थान को देने का वादा किया है 40 साल के लिए, और हमारे घर में लाइट नहीं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट, लेकिन बिजली का बिल जो है आपको हर महीने पहुंचा दिया जाता है। और बिजली का बिल जहां हमारे द्वारा हुकूमत में 200-250-300 रुपए से ज्यादा नहीं, आज देहात के इलाकों में भी 1650 रुपए महीना बिजली का बिल जो है उससे कम नहीं आता। हमने अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना शुरू कर देंगे, ताकि बिजली के बिल का जो आपके ऊपर दबाव है उसको हम दूर कर पाए। मैंने शुरू में अपनी तकरीर में रोजगार के हवाले से बात की, लेकिन रोजगार हासिल करने के लिए बच्चों को तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। विरासत में बाबा एकोम श्री कृष्ण शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमें मुफ्त तालीम दी थी, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। इन बीजेपी वालों ने आहिस्ता आहिस्ता उसको तहस नहस किया। आज मुफ्त तालीम शायद ही कहीं हमें हासिल होती है। हमने अपने नौजवान भाइयों से, बहनों से इस मंशूर के हवाले से आप सबों से वादा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो हम दोबारा बच्चियों को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम प्रदान करना शुरू करेंगे, ताकि हम भी मुकाबला कर पाएं, हमारे बच्चे भी बाकी मुल्क में मुकाबला कर सके। तभी तो जाके जम्मू कश्मीर का जो हम इसको रियासत दोबारा बनाएंगे और इस रियासत का मुस्तकबिल हम बेहतर कर पाएंगे। ये बीजेपी वाले जो है, आपने मेरी तकरीर में बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, रोजगार के हवाले से, राशन के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से सुना है, एक चीज का मैंने जिक्र नहीं किया और वो है मजहब। क्योंकि मजहब के बुनियाद पर हम वोट आपसे हासिल नहीं करना चाहते, हम मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम मजहब के नाम पर वोटों के बंटवारे का जो है हम उम्मीद नहीं रखते। हम कहते हैं कि चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हम सब तरक्की तब कर पाएंगे अगर हम एक साथ जो है जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को संभालें। इसलिए मैं आप सबसे नौजवाना गुजारिश करना चाहता हूं कि बीजेपी को जो साजिश है हमें यहां बांटने की, हमें तकसीम करने की, हमें अलायदा करने की, मेहरबानी करके 18 सितंबर को उस साजिश को आप नाकामयाब करें। आप लोग, ये पहली मर्तबा है कि आपको डोडा के साथ वोट डालने का मौका हासिल है। इन लोगों ने असेंबली हलकों को तितर बितर किया, कुछ आपका इलाका इंद्रवाल से कट के यहां आया, कुछ इलाका बदरवा से कट के आया है। अब क्या समझ के किया है वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर साथ नहीं था तो आपको अलायदा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे देते ताकि आपकी अपनी पहचान होती, लेकिन कोई बात नहीं, 26 से दोबारा डिलिमिटेशन का सिलसिला होगा इंशाल्लाह, तब अगर आपके वोटों के जरिए आपका एमएलए बना, आपकी हुकूमत होगी, इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूएंसी हम अलायदा काट के आपको दे देंगे, ताकि और ज्यादा आप लोग तरक्की कर पाए और आपकी नुमाइंदगी बेहतर हो। लेकिन फिलहाल इन 2-3 सालों के लिए आपको नुमाइंदा जो चुनना है, मैं आपसे मौतमाना गुजारिश करने आया हूं, और इसलिए मियां साहब मेरे साथ श्रीनगर से आज सुबह चल पड़े सिर्फ ये गुजारिश करने के लिए कि आप मैदान में देखिए कौन कौन से उम्मीदवार हैं, उसके बाद आप वो उम्मीदवार चुनिए जो ईमानदारी से बिना एक डबल पैसा रिश्वत आपसे लिए हुए
जो बिना इसमें कोई हिचकिचाहट के आपकी नुमाइंदगी करेगा, आपके हकूक के लिए लड़ेगा, और जो हमने वादे आपके साथ मंशूर के जरिए अपनी तकरीर के जरिए किए हैं उन वादों को पूरा करेगा।